सो आप एक कोई अच्छा सा तगड़ा सा एक बैटरी लाइफ वाला TWS चाहते हो तो आप ये वाला TWS देख सकते हो। यहाँ पे जो बोर्ड की तरफ से यहाँ पे निर्वाणा आयन जो एक काफी अच्छा TWS आपको मिलता है और इसका जो प्राइस, तो चलो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अनबॉक्सिंग से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस बॉक्स आपको कुछ ऐसा मिलता है और यहाँ पे लिखा है निर्वाणा आयरन बोर्ड और यहाँ पे कुछ हाईलाइट दिया गया है। यहाँ पे मैसिव 120 आवर प्ले टाइम यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे बोर्ड लिखा है और पीछे यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन जो आगे मैं आपको बताऊंगा और कुछ नहीं। तो चलो फटाफट सील को ब्रेक करते, सो ऐसे खोल लेते और इसको साइड करते। जो आपको जो मेन ईयरबड आपको मिलते हैं तो यहाँ पे जिसको साइड करते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ईयर टिप्स, यहाँ पे वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, यहाँ पे कुछ आपको पुस्तकें मिल जाता है और इसको साइड करते हैं और कुछ स्टिकर आपको मिल जाता है यहाँ पे जो काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए, USB टाइप ए टू USB टाइप सी यहाँ पे पूरा यहाँ पे साइड कर लेते हैं। और मेन जो यहाँ पे जो ईयरबड को यहाँ पे देख लेते हैं और ईयरबड यहाँ पे कुछ ऐसे पैकेजिंग पे दिया गया है और आपको मेन ईयरबड आपको ऐसा मिलता है। सो काफ़ी सही लग रहा है और यहाँ पे तो मैट ब्लैक और यहाँ पे सिल्वर कलर का यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम सा लग रहा है। सो आपको कुछ ऐसा मिलता है और इसके अंदर आपको मिल जाता है मेन ईयरबड जो काफ़ी सही है। मेरा ब्लूटूथ ऑन है इसीलिए मेरा फोन से कनेक्ट यहाँ पे हो रहा है और इसके अनबॉक्सिंग में कुछ आपको ऐसा ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे फुल बॉडी यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलता है, मैट ब्लैक यहाँ पे आप देख सकते हो, मैट ब्लैक का काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। स्ट्राइप यहाँ पे दिया है और यहाँ पे बोट लिखा है, काफी सही लग रहा है। और यहाँ पे इंडिकेटर लाइट आपको मिल जाता है और नीचे यहाँ पे यूएसबी टाइप सी आपको पोर्ट मिल जाता है और रिसेट बटन आपको मिल जाता है। इसका जो ईयरबड है ये फुल बॉडी प्लास्टिक है, सामने की तरफ से यहाँ पे ग्लॉसी है और पीछे की तरफ से मैट है और यहाँ पे बोट का लोगो है, दोनों में आपको ये बोट का लोगो यहाँ पे मिल जाएगा जो टच कंट्रोल वाला है, वो भी आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं चालू कर दूंगा तो मेरे फोन से कनेक्ट पे हो जाएगा तो अभी नहीं। यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा जो ईयरटिप आपको मिल जाता है वो कान के हिसाब से आप इसको लगा सकते हो और आप कान में एडजस्ट वगैरह कर सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे फिट यहाँ पे हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है, ऐसे कोई इजिली गिरता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके हाईलाइट के बारे में। जो इसका मेन हाईलाइट है यहाँ पे 120 आवर यहाँ पे प्ले बैक टाइम यहाँ पे देने वाला है, जो एक सम कंडीशन यहाँ पे जो आप जो आपको ईयरबड आपको मिलता है इस सिंगल चार्ज में आपको 24 आवर आपको बैटरी बैकअप आपको दे देगा, उसके बाद आप फिर से चार्ज करोगे तो उसके बाद फिर से 24 आवर आपको देगा। तो ऐसे करते करते 124 आवर आप इसको यूज करते हो विद केस। और यहाँ पे भी सम कंडीशन जो कि यहाँ पे जो मेन जो फीचर्स है उसको ऑफ करके यहाँ पे जो आपका जो वॉल्यूम होगा वो 70 या 60 के आसपास यहाँ पे रहना होगा, उसके बाद जो आपको जो बीस मोड मिल जाता है उसको भी ऑफ करना पड़ेगा और जो आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलता है वो भी यहाँ पे ऑफ होगा। इसके अलावा जो आपको मोड मिल जाता है उसको भी थोड़ा सा ऑफ करके इसका बैटरी बैकअप आप इसको पा सकते हो। तो ऐसा नहीं आप 100 वॉल्यूम पे सुनोगे फुल इंजॉय करोगे कुछ ऑन करके तो नहीं जाएगा, तो कंडीशन अप्लाई तो ये दिमाग में जरूर रखना। इसमें आपको कितने एमएच का बैटरी आपको मिलता है मुझे अभी तक नहीं मिला, मतलब मैंने जितने रिसर्च किया है तो उसमें अभी तक मुझे नहीं मिला और बाद में मिल जाता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे दिखा दूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल में जब इसको कनेक्ट करते तो बहुत ही इजिली मेरे मोबाइल से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फर्स्ट टाइम केस को ओपन करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे सामने अभी आ गया तो इजिली डाउनलोड हो जाता है एप्लीकेशन वगैरह। और यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 आपको मिल जाता है तो कनेक्टिविटी में फुल इंजॉय। और इसका साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है 10mm का ड्राइवर, तो साउंड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल जाता है। और आज पूरा दिन मैंने इसको यूज किया और देखा है साउंड क्वालिटी कैसा है, कैसा कैसा साउंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, किस डिवाइस में कैसा प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने पूरा विस्तार में मैंने देखा है। और यहाँ पे साउंड क्वालिटी सबसे पहले यहाँ पे बेस के बारे में बात करते हैं और बेस काफी अच्छा बेस आपको मिल जाता है, आप बेस लवर हो तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और यहाँ पे जो ट्रबल और मिड्स जो है वो काफी थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा कम लगा मुझे क्योंकि बेस थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा मतलब कर दिया पीछे कर दिया, तो ऐसा कुछ मामला है। तो मतलब
बेसिकली यहाँ पे देखो साउंड क्वालिटी काफी अच्छा मिल जाएगा आपको, बेस काफी अच्छा मिलेगा और काफी सारे मोड्स आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाय हाईफाई टिप्स आपको मिल जाता है, जिससे यहाँ पे फुल्ली आपको क्रिस्पी क्लियर आपको ऑडियो मिलता है। यहाँ पे जो इक्वलाइजर है उसको यूज करके आप साउंड क्वालिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक जो दिया जाता है उसके अलावा आप दूसरा को यूज करोगे तो आपको और भी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी मिलेगा। आपको बेस शायद पसंद नहीं होगा तो आप उसको इक्वलाइजर को चेंज करके थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो आप देख लेना अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे कुछ आपको मोड्स वगैरह आपको मिल जाता है राइट साइड का, आप यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे बीस्ट मोड ऑन हो जाता है, जिससे यहाँ पे लेटेंसी बहुत ही कम हो जाता है। जो यहाँ पे आपको 60 ms का लेटेंसी आपको मिलता है जो काफी कम है और गेमिंग वगैरह में काफी आपको हेल्प करेगा। राइट साइड में आपको होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे दो आपको मोड मिल जाता है, एक आपको सिग्नेचर साउंड मिल जाता है और एक आपको बैलेंस साउंड मिल जाता है। तो दोनों में एडजस्ट करके आप देख लेना कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बैलेंस साउंड से सिग्नेचर थोड़ा सा इंप्रूव यहाँ पे लगता है। सिग्नेचर साउंड में यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा फिल्टर करके देता है, और यहाँ पे आपको IPX4 का आपको प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, तो आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो इन ईयर डिटेक्शन है काफी अच्छा काम करता है, मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने देखा है, बहुत बार मैंने ट्राई किया है और मैंने काफी बार ट्राई करके देखा है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मैं जब भी खोल के रखता हूँ और ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है वीडियो वगैरह देखता हूँ तो, और काना में लगाने के बाद ही और चालू हो जाता है, तो काफी मुझे अच्छा लगा। तो इन ईयर डिटेक्शन काफी, यहाँ पे आपको सिंगल डबल और ट्रिपल टैब आपको कंट्रोलर मिल जाता है, मतलब दोनों साइड में, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट बाय कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन करना, प्ले पॉज करना, प्रीव्यू और नेक्स्ट ट्रैक में जाना, वॉइस असिस्टेंट ऑन करना, और एप्लीकेशन में जाके आप विस्तार से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे नॉइस जो रिडक्शन आपको काफी अच्छा नॉइस रिडक्शन आपको मिल जाता है विदाउट सॉन्ग, मैंने ऐसे ही पहन के मैंने देखा है और नॉइस काफी रिड्यूस कर देता है नॉर्मली। और आप दूसरा यार टिप्स है अपने कानों के हिसाब से आप यूज करोगे तो नॉइस काफी अच्छा रिड्यूस कर देता है, उसके बाद आप साउंड चलेगा तो आपको बाहर का नॉइस बहुत ही कम आएगा, और कंफर्ट तो मैंने आपको बता दिया काफी अच्छा कंफर्ट आपको मिल जाता है। तो गाइस ये निर्वाणा आयन, तो आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, तो जाके आप बाय कर सकते हो। और इस प्राइस के रेंज के आपको ओप्पो का एक मिल जाता है जो ओप्पो Buds 2 आई थिंक, और इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है नहीं है, तो उसका वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। तो मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने, पुष्पेंद्र स्क्वाड लगा मैं आ रहा हूँ।